सो बता रहा हूँ आपको खिलाता हूँ, आपको दवाई खिला देता हूँ, सुनो मेरी बात को। ऐसे लोगों को विकास नहीं चाहिए, कुत्ते को विकास की जरूरत नहीं पड़ती, कुत्ते को हमेशा विकास बेकार रखता है। उनको उससे कोई मतलब नहीं है, अखिलेश यादव बस अपना धौस जमाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। There's no logic, you know. खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। Frustrated लोग हैं, क्या करें, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना। अगर इनको विश्वास नहीं है तो आइए हमारे बनारस में दिखाते हैं आपको। मैं कह रहा हूँ आप कुत्ते नहीं, आप बड़े वाले सुअर हो, क्योंकि आपको पता है कि विकास हो रहा है। मैं सुअर पालता हूं। तुम सुन लो, तुम्हारे पापा भी सुअर ही पालते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ। अपनी सीट छोड़ के लोकसभा का चुनाव लड़ा और अकेले ने गए, पूरी फैमिली को ले गए, क्या चाचा क्या भतीजा क्या धर्मपत्नी सबको ले गए। डर था योगी के मुकाबले खड़े होते, ये खड़े नहीं हो सकते योगी के मुकाबले। ना तो इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला था और नहीं मिलेगा। कैसा प्रधानमंत्री? मोदी जैसा। क्या नहीं किया मोदी ने? राहुल गांधी परिवार की धजिया उड़ गई। जिस परिवार के चार चार प्रधानमंत्री हुए थे, जो अपने को राजा से कम नहीं समझता था, हरियाणा की जनता ने जूता उतार करके मार के भगाया है। भाई मेरे, इंडिया को आज किसी भी देश से बढ़ा दो, मोदी ने ऐसा कर दिया, अपनी इंडिया किसी के आगे झुक नहीं सकती। मैडम अंधभक्ति का कोई इलाज थोड़ी है। अयोध्या में तुम्हारे को खाना कमाने दे दिया मोदी जी ने, आज मंदिर बन गया, किसका कारोबार बढ़ा? अयोध्या वालों का। वो विकास था पहले, ये लोग पाकिस्तान से कंपेयर करते थे, आज के डेट में हम चाइना और यूएसए से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो इनको उस चीज से दिक्कत हो रही है इनको, क्योंकि इन लोगों को कंपेयर भिखारियों से ही करना होता है। योगी जी का बयान था बटोगे तो कटोगे, अब चमचों का बयान पता क्या आ रहा है, वो जहाँ थूकेंगे हम वहाँ चाटेंगे और जातियों में देश को बांटेंगे। राहुल गांधी जैसे कोई है ही नहीं, अपने देश का बुराई करने वाला आदमी है वो। पहली बात, उसे शादी कराओ रुपी जावे से, तभी कुछ हो पाएगा भैया, क्योंकि बहू नहीं आएगी तो बहुमत नहीं आएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच रॉक्स। देखिए, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की, तो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, लेकिन इसी बीच बुरके वाले बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। और सबसे ज्यादा आपको जानकर हैरानी तब हो जाएगी कि अखिलेश यादव के कहने पर 7 पुलिसकर्मी जो है वो सस्पेंड हो गए हैं। जरा सोचिए कि यूपी में उपचुनाव है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वो मतदान होने से रोक रहे हैं। देखिए, पहले तो अखिलेश यादव जी को स्टडी करनी चाहिए, थोड़ी 2 किताबें पढ़ लेते तो उनको पता चलता कि बीजेपी का चुनाव आयोग के आगे कोई रोल नहीं होता। चुनाव जो है वो चुनाव आयोग के दायरे में आता है, ना कि बीजेपी के दायरे में आता है। और जो ये अफवाह फैला रहे हैं भाई बुरका चेक हो रहा है, ठीक है जी, बुरका आप किसी पराए पुरुष के आगे नहीं खोल सकते, लेकिन महिला कॉन्स्टेबल के आगे तो खोल के देख सकते हैं कि भैया ये जो फोटो है वोटर आई कार्ड में आप हैं भी या नहीं है। क्या अब जाँच भी नहीं करी जाएगी? इस हिसाब से तो मैं आपका वोटर आई कार्ड लूँगा, वो शाही कितनी देर के लिए होती है? 2 मिनट में मैं करूंगा, बुर्खा पहन के मैं भी जाकर के वोट दे आऊंगा, क्या करेंगे आप? तो अगर पुलिस कर्मी है, चुनाव आयुक्त की टीम बैठी है वहां, वो क्या बेवकूफ है? तो फिर इनकी जरूरत क्या है देश को? इनको हटा देना चाहिए। और सवाल रोहित जी ये है ना कि मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट है यूपी में, अखिलेश यादव को इतनी दिक्कत हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे, और बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि फर्जी मतदान जो है वो किए गए। कहाँ करे गए बताइए ना आप, कहाँ नहीं, कहाँ पे हुए यूपी में फर्जी मतदान आप बताइए? फर्जी मतदान तो तब हो रहे थे जब घर में ही स्लिप पे छप छप करके बॉक्स में डाल दी जाती थी, अब तो ट्रांसपेरेंट है। आप एक चीज बताइए, आपने भी वोट डाला होगा लोकसभा चुनाव में, अगर आप दिल्ली के या कहीं के भी हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो डाला था। लोकसभा चुनाव में जब हम वोट डालने जाते हैं, जब हम ईवीएम के ऊपर बटन दबाते हैं, तो सामने जो मैडम बैठी होती है चुनाव आयुक्त की, वो वहां से एक बटन दबाती है और लॉक हो जाता है मेरा वोट डालने का। फिर जब दूसरा बंदा जाता है, दूसरा नागरिक वोट डालने जाता है, तब वहां से बटन दबा करके खोला जाता है वो लोग, तब बचता है, बीप के बाद ही आपका वोट माना जाता है। तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को लग रहा है कि अब जो है कि उनकी जो सत्ता है वो आज से जाने वाली है, उनका तख्त हिल रहा है, उनकी इंद्रियां खत्म होने वाली है, इसलिए बीजेपी ये सब कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, जैसे हमारे भैया ने बताया अभी कि चुनाव आयोग अपने तरीके से देखेगा, अखिलेश यादव के कहने से तो नहीं कह ले वो हो जाएगा, ठीक है? तो रही बात, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। और जहां तक रही बात वो करने की, वोट डालने की, तो बुर्का पहन के अंदर यार को पता नहीं कौन जा रहा है, किसको क्या पता लगेगा? अगर आप कम से कम लेडीज कांस्टेबल के आगे आप नहीं चेक कराओगे तो आदमी भी जा सकता है भाई औरत की भेस में, ठीक है, जाके वोट डालने के लिए, तो ऐसा तो फर्जी वोट पड़ेंगे ना। ज्यादा हंगामा सपा और बीजेपी में क्यों देखा जा रहा है? एक चीज बताइए, जो जिसको हार का डर है वही भुकलाया हुआ है ना। आप बताइए, अखिलेश यादव को अगर इतना है कि जन समर्थन उनके साथ है, तो भैया बुर्का चेक करा के जाने दो, उल्टा समर्थन कराओ, उल्टा चुनाव आयुक्त के साथ खड़े हो, बोलो हाँ जी इसका बुर्का उठाओ, महिला है, पहचान हो रही है, तो ये अंदर जाएगी नहीं जाएगी? लेकिन अगर पुलिस कर्मी अपना काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है। तो पुलिस कर्मियों पर ही इन्होंने आरोप लगाया, बताइए बेचारों का क्या गुनाह है?
उनको उससे कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव बस अपना धौस जमाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। बस मतलब ये बताओ पुलिस वालों की क्या गलती है भाई? ऊपर एक मिनट, इट हैज नो लॉजिक यू नो। खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, क्या करें, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना। एक बात बताइए रोहित जी, लगातार अखिलेश यादव, राहुल जी लगातार अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो डर रही है, बीजेपी क्यों डर रही है? डरे तो अखिलेश यादव है, लोकसभा पहुंच गए पूरी फैमिली को लेकर के, हिम्मत थी, विधानसभा में रहते ना, किसने कहा लोकसभा में जाने को? आप बताइए, अपनी सीट छोड़ के लोकसभा का चुनाव लड़ा और अकेले ने गई, पूरी फैमिली को ले गए, क्या चाचा क्या भतीजा क्या धर्मपत्नी सबको ले गए। डर था योगी के मुकाबले खड़े होते, ये खड़े नहीं हो सकते योगी के मुकाबले, ये पूरा खानदान दोबारा से पृथ्वी पे जन्म लेके आ जाए तब भी। ये चुनाव तो कई स्टेटों में आज हुए, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, दूसरे चरण में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा यूपी में ही क्यों है भाई? क्योंकि अखिलेश यादव को पता है जिस तरीके से राहुल गांधी परिवार की धजिया उड़ गई, जिस परिवार के चार चार प्रधानमंत्री हुए थे, जो अपने को राजा से कम नहीं समझता था, हरियाणा की जनता ने जूता उतार करके मार के भगाया है, उसके बाद इनका वर्चस्व खत्म हो गया, 9 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, वही दो लड़कों की जोड़ी ने, उसने पूछा तक नहीं राहुल गांधी से, भैया दो तू भी अपने खड़े कर ले, गठबंधन की सरकार है। यूपी में उपचुनाव हो रहे हैं, जो मतदाता वोट डाल रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो यही करेंगे। एक्चुअली क्या, हार का एजेंडा भी तो तैयार करना है, एक्सक्यूज क्या देंगे हारने के बाद? ईवीएम पे रोएंगे, ईवीएम अब वो कहेंगे भैया जी धांधली हो गई, महाराष्ट्र वालों ने भी हार, कैसे कह सकते वो हार रहे, आपने लोकसभा में नहीं देखा क्या? जनता का प्यार देखो, जनता का खुमार देखो, बटोगे तो कटोगे, हर बंदे की जबान पे आ चुका है। आप चाय पीने चले जाओ, ठेले पे बात क्या चल रही है भाई, ठहिए बटेंगे कटेंगे, हमें बटना नहीं है, हमें जातियों में नहीं जाना है, हमें आपस में मिल करके रहना है, एससी एसटी में मतभेद है हम अपने घर में देखेंगे, ब्राह्मण जात में मतभेद है अपने घर में देखेंगे, ओबीसी और दलित में मतभेद है हम अपने घर में देखेंगे, लेकिन हमें बटना नहीं है, हमें कश्मीर की तरह अपना राज्य खाली करके नहीं भागना है, अपनी बहन बेटियों की आबरू इनके हवाले करके नहीं भागनी है, बंगाल की तरह कटना नहीं है, केरला की तरह कटना नहीं है, तमिलनाडु की तरह कटना नहीं है। वाले बयान पर इतना ज्यादा दिक्कत क्यों? मैडम मेरे को भी बुर्का पहना दो, मैं भी चाहता हूँ कि बीजेपी एक बहुमत करके जीते, 10 वोट मैं डालूं, बुर्का डाल के मेरी चेकिंग मत करना, ये क्या बात हुई भैया जी? आप बताइए, आप जाइए, महिला कांस्टेबल किसके लिए है, चुनाव आयुक्त के महिलाएं किस लिए बिठाई गई हैं, ताकि महिला को महिला, आप मेट्रो में जाइए, क्या एक पुरुष की चेकिंग पुरुष करेगा, महिला की चेकिंग पुरुष कर सकता है, नीचे जाके देखिए। तो ये तो एक एजेंडा फैलाया जा रहा है कि भैया अगर हम हार गए तो हमने योगी को बदनाम कैसे करना है, हम यही एजेंडा डालेंगे, भैया डबल वो बुरखा उतरवा रहे थे, वोटिंग नहीं करने दे रहे थे लोगों, नागरिकों को, वोटर्स को। कैसे लेते हैं फोटो वेन यू गो, जब आप बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो लेते हैं ना, वो लेते हैं ना पिक्चर आपकी, आप गए होंगे बाहर एयरपोर्ट पे गए होंगे, लेते हैं ना, व्हाट इज द हार्म, सांच को आँच क्या, क्या दिक्कत है बेटे, आज पढ़े लिखे लोग हैं, क्या दिक्कत है उसमें, अनपढ़ों वाली बात क्यों करें? मेरे मुसलमान भाइयों के बच्चे आईएएस कर रहे हैं, मेरे साथ हिंदू स्टीफन हंसराज सब जगह पढ़ते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई आपके पास। अच्छा आप लोग बताइए, योगी जी का समर्थन आप लोग करते हैं ना? कोना करते नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, कारण क्या है? योगी जी बट्टे और पड़ती मां पड़ती मारी, क्या कह रहे हैं, वोट कौन पड़ती है? अच्छा योगी जी को जानते तो होंगे ना? जाना सही है, योगी सही है, आप लोग योगी जी का समर्थन करते हैं? कतई भी ना करें जी। क्यों नहीं करते, कारण क्या है? कारण कम है, बतेरे कारण है। क्या कारण है, एक दो कारण बताइए ना, ये लोग तो लगातार योगी जी को अपना फैन बताते हैं ना, बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं, क्यों नहीं बताएं? मुझे पसंद नहीं है, वो मेरी चॉइस है। कौन पसंद है? राहुल गांधी। अच्छा राहुल गांधी क्यों पसंद है, दो तीन कारण पूछ लो, बता देंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने क्या काम किया देश के? राहुल गांधी ने तो बहुत काम कर दिए, जब आएगा जभी तो करेगा राहुल गांधी, जब उसको मौका मिलेगा जभी तो कुछ करेगा, अभी तो उसको राहुल गांधी को मौका नहीं मिल रहा है। मिलेगा है? देर है, अंधेर थोड़ी है। अच्छा क्या लग रहा है, राहुल गांधी फिर पीएम बनने जा रहे हैं? आएगा राहुल गांधी उस दिन आपको भी पता लग जाए। तो हैं अभी सांसद हैं ना, अभी जीते भी हैं, क्या काम करें, सांसद की भी तो एक गरिमा होती है, एक पद होता है, एक क्षेत्र होता है उनके पास लोकसभा का, उसमें क्या काम करें राहुल गांधी जी ने वही बता दीजिए। योगी जी को लेकर के गवर्नमेंट इनकी और ये विपक्ष पूछ रहे हैं, काम विपक्ष करेगा। सांसद किसके लिए चुना जाता है ये भी तो बताओ, मतलब मैं अपने क्षेत्र का विधायक चुन रहा हूँ तो मेरे क्षेत्र के अंदर नालियां नाले सीवर डालने के लिए कौन आएंगे, मोदी जी आएंगे या मेरे क्षेत्र का विधायक आएगा? पूछिए, मेरे यहाँ सड़क बननी है, मेरे यहाँ पार्क बनने हैं, मेरे यहाँ पे स्कूल बनना है या रेनोवेशन होना है, तो उसके लिए मोदी अमित शाह आएंगे या मेरे क्षेत्र का सांसद आएगा? पूछिए। यादव को पसंद करते हैं? ठीक है भाई, अखिलेश भी ठीक है लेकिन राहुल गांधी से बेटर है। अखिलेश यादव अभी यूपी में उपचुनाव हो रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिकायत कर दी है, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए बिना किसी का। किस चीज की शिकायत कर दी उन्होंने? मुझे तो ये नहीं पता किस चीज की शिकायत करी है। अखिलेश यादव का कोई काम बताइएगा जो आपको अच्छा लगता हो। आओ यूपी में दिखाएंगे काम क्या।
अरे मैं खुद यूपी से हूँ, आप मुझे क्या दिखाइएगा? तो फिर बात बताइए ना, काम बताइए ना, किसी राज्य बताइए अच्छा काम किया, कोई राज्य बताइए जहाँ पे अखिलेश यादव या सपा पार्टी या बीजेपी पार्टियों ने अच्छा काम किया है। बीजेपी ने तो खैर कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। पेट्रोल तो 40 इतना ज्यादा, योगी जी को समर्थन 40, आप मेरी बात सुनो, पेट्रोल तो 40 अब मिल रहा 100, ठीक है 40। भैया जी प्लीज एक्सप्लेन करोगे, कब कौन से दौर की बात कर रहे हो? दादा पर दादा भूल जाओ, चलो 2013 की ले लो, 62 तो था, 13 में कितना था, 2024 में जी रहे हैं ना, 13 पे क्यों जा रहे हैं? असल आप मेरी बात सुनो, नहीं बताओ, ये कह रहे हैं 62 रुपए लीटर तेल था 2014 से पहले, इनसे पूछना, 10 साल का कार्यकाल है योगी मोदी का और 10 साल का एक कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का और कांग्रेस का, ठीक है जी। जब अटल जी ये सरकार छोड़ करके मनमोहन सिंह जी को सौंपी थी, तब अटल जी के दौर के अंदर पेट्रोल का रेट क्या था, और जब मोदी जी के पास आई तब कितना छोड़ा, महंगाई का दर यहीं से पता चल जाएगा। ये 62 रुपए बोल रहे हैं, 68 रुपए 59 रुपए रेट था पेट्रोल का और 33 रुपए कुछ पैसे था अटल जी के टाइम पे, ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। ये कह रहे हैं कि यूपी में कोई काम नहीं हुआ है, योगी जी ने तो कुछ किया ही नहीं। आप यूपी से हैं, कौन सा जिला? गाजियाबाद। बस यहीं तक, क्योंकि बॉर्डर पे है ना, यहाँ पे अगर काम भी होगा तब भी कोई मानने को तैयार नहीं है मैडम जी, क्योंकि नहीं जो अगर आप मानते हैं योगी जी ने काम किया, अगर इनको विश्वास नहीं है तो आइए हमारे बनारस में दिखाते हैं आपको, आइए काम दिखाइए, दिल्ली का कोई भी शहर, मैं तो ये बता रहा हूँ, मोदी जी जहाँ रहते हैं उनके बगल में भी अयोध्या में क्या मैं? काम तो देखा अयोध्या में, रैपिड ट्रेन चली गाजियाबाद से मेरठ तक, अयोध्या में देखा तो काम, 2 BHK का रेट है वहाँ पे। अयोध्या वाली बात के ले आए बीच में, वहाँ पे बीजेपी हार गई थी, ठीक है, क्या कारण रहा होगा? इनका विकास नहीं है ये कारण रहा होगा, और क्या रहा? देश ने आके बलात्कार कराया, उसके सांसद के कार्यकर्ता ने 12 साल की दलित बच्ची से, अयोध्या जैसी पावन भूमि में पूछिए, और वो कहते हैं DNA कराओ तब हटाऊंगा, इसलिए आए थे सांसद बन के, पूछिए, इसलिए जीती थी। मैं बताऊं, सपा से लगाव इन लोगों क्या है, एक तो जातिवाद, मतलब अगर यादव हो या मुस्लिम हो तो सपा वाले हैं सीधा सीधा, और अगर हम ब्राह्मण हैं या ठाकुर हैं या बनिया हैं तो भैया ये बीजेपी वाले हैं, भले से बीजेपी का ना हो बंदा, लेकिन मोदी जी से इतनी दर्द क्यों है? अगर दर्द है भैया तो आंसू निकालिए, ना तो इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला था और नहीं मिलेगा। कैसा प्रधानमंत्री? मोदी जैसा, क्या नहीं किया मोदी ने? आज कोई भी देश में आ जाए, कोई भी देश अपने देश पे हमला कर दे, मैं उसको क्या देखूं, मैं तो भाई को देख रहा हूं। ये तो कह रहे हैं, कैमरा को नहीं देख रहा, ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया, क्यों नहीं किया? बहुत काम किया, शौचालय से लेके घर से लेके नाली रोड बिजली, जाके देखिए दिल्ली की तरह बिजली आती है। भाई मेरे, इंडिया को आज किसी भी देश से बढ़ा दो, मोदी ने ऐसा कर दिया, अपनी इंडिया किसी के आगे झुक नहीं सकती। यादव होकर के कृष्ण जी का मंदिर नहीं बना पाई 70 सालों से, श्री राम मंदिर नहीं बना पाए, काय के यादव हो तुम, काय के यादव हो, किस सपा के यादव हो? तो ये बोलो, हम सपा के यादव हैं, हम जात के यादव नहीं है, यादव हो गए, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर नहीं बना पा रहे, अयोध्या श्री राम का मंदिर के लिए तुम अपील नहीं कर पाए, और जिन्होंने करी उन पे गोलियां चला दी, खाना दे दिया। क्या कह रहे हैं, अयोध्या में मोदी जी नहीं होते तो राम मंदिर? अयोध्या में तुम्हारे को खाना कमाने दे दिया मोदी जी ने, आज मंदिर बन गया, किसका कारोबार बढ़ा? अयोध्या वालों का। हम लोग यहाँ से जाते हैं परसा, है? क्यों अयोध्या में हारे? क्यों जमीनें हड़पने देते? अयोध्या में श्री राम को टेंट में रहने देते? मानसिकता देखिए, मानसिकता देखिए, अयोध्या में विकास हुआ? ये कह रहे हैं कि अयोध्या में कोई विकास नहीं हुआ और इसी वजह से हार गए वहाँ। ये विकास ही नहीं हुआ, इतना बड़ा मंदिर बना दिया, इतनी रोड बना दिए, काय का विकास नहीं हुआ? अयोध्या वालों को खाना कमाना दे दिया, आज पब्लिक जा रही है, उनकी दुकानदारी हो रही है, सेल हो रही है, 8500 के चक्कर में 8500 वाला लॉलीपॉप चटाए थे ना ये लोग, कि 8500 वाले लॉलीपॉप। मैडम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अयोध्या में क्या विकास? भी मोदी जी ने 15 लाख की बात नहीं करी थी, और सुनो, उन्होंने बोला था कि आएगा इतना पैसे, अयोध्या चमक गई आज से पहले, 10 साल से पहले अयोध्या का हाल देखते, आज मोदी जी के राज में अयोध्या को देखो कैसी चमकी हुई है अयोध्या। भी नहीं किए थे आज, पहले कोई राम मंदिर का भाई साहब बोले हैं 15 लाख, मोदी जी का बयान था हमारे देश में इतना पैसा है ना कि अगर आज आए, विदेश में पैसा रखा हुआ कि आए तो हर किसी खाते में 15-15 लाख डाल देंगे, तब भी बहुत ज्यादा पैसा बचेगा, देने की नहीं, बहरा कान खोल के तेल डलवा के सुनो।
बहरे मत बनो, की आदत पड़ चुकी है, राशन में रह ले, लेने की इनको ले, राशन में रह ले लो, बिजली में रिया ले लो, शौचालय योजना ले लो, आवास योजना ले लो, कमाते 15,85,000 में क्यों बिक रहे हो? राशन फ्री में नहीं मिलता। आप लोग एक एक करके सुनिए क्या बोल राशन भैया जी बोल रहे सही है, जो जो बोल रहे वो सही है, मैं ये नहीं कर रहा, राशन फ्री में नहीं मिल रहा, पैसे ले रहे हैं, 40 रुपए कंप्लेंट क्यों नहीं करते, अपनी एजुकेशन का फायदा क्यों नहीं उठाते, दो क्लास से पढ़े हो ना, मैं कहता हूँ एमए बीए नहीं, जो आपसे धांधली कर रहा है 40 रुपए की, उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कराते आप लोग? आप देख रहे पांच लोग मोदी जी योगी जी कर रहे हैं, आप बोल रहे राहुल गांधी। मैडम अंधभक्ति का कोई इलाज थोड़ी है, कर एक मिनट, इनके लिए वो विकास था, पहले ये लोग पाकिस्तान से कंपेयर करते थे, आज की डेट में हम चाइना और यूएसए से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको उस चीज से दिक्कत हो रही है इनको, क्योंकि इन लोगों को कंपेयर भिखारियों से ही करना होता है, ठीक है, बढ़िया देश से नहीं करना होता जिनकी हम एक्चुअल में बराबरी कर सके, जो लोग योगी जी का बयान था बटोगे तो कटोगे, अब चमचों का बयान पता है क्या आ रहा है, वो जहाँ थूकेंगे हम वहाँ चाटेंगे और जातियों में देश को बांटेंगे, बयान ही चमचों का। खाना इंडिया का है, गीत गाना पाकिस्तान का है, खाना इंडिया का, गीत गाना पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब यही तो हो रहा है, जो जिनको विकास नहीं दिख रहा है इंडिया के अंदर, यूपी में उपचुनाव हुआ है आज, अखिलेश यादव का नमक, अखिलेश यादव पाकिस्तान का, अखिलेश पाकिस्तान का नमक, खालिस्तान का गुड़का था पाकिस्तान का। क्या लग रहा है यूपी में उपचुनाव हुआ है, रिजल्ट कैसा आने वाला? इनसे कोई वो नहीं है, ये बोल रहे थे कि मैं खुलासा कर रहा हूँ कि 1300 का तो सिलेंडर मिला था जब मोदी जी ने दिया है, अब सुन लेना मेरी बात, मैं उन्हें काट नहीं रहा हूँ, 1300 रुपए का सिलेंडर जब फ्री में दिया था उनकी उस टाइम की बोल रहा हूँ, मैं काट ही नहीं रहा, अरे मोदी जी ने, आप लोग लड़िए मत, मेरा एक आखिरी सवाल होगा कि यूपी फ्री में नहीं मिल रहा, भाई साहब मेरा एक आखिरी सवाल होगा, यूपी में जो उपचुनाव हुआ क्या लग रहा है, रिजल्ट किसके पक्ष में? योगी बाबा, इतना सब होने के बाद देखो, दलित बच्चियों ने अगर बलात्कार करवाते हुए देखना है, उनके परिवार वालों ने, अखिलेश यादव की सरकार कहां है, हाथरस में, जो हाथरस में बलात्कार होता है उसे रातों रात जला दिया था, दलित बेटी थी जहां पर जैन चौधरी पर लट बजा था, कौन थी दलित बेटी थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, जब अब मेरी बात सुनो मैडम, बीजेपी गवर्नमेंट है, बलात्कार होते हैं, जब गवर्नमेंट आपकी सेंटर में और यूपी में भी आपकी है तो उस पर कानून पास क्यों नहीं करते, गवर्नमेंट तो आप ही की है, कानून पास करो सीधे, बलात्कार पर क्यों नहीं करते? हाथरस कांड के अंदर यूपी में गवर्नमेंट भाजपा की इंक्वायरी नहीं बैठी। मेरी बात सुनो, दिलीप सेंगर कौन था, बीजेपी का विधायक था, बीजेपी का विधायक था, उसी ने जो उस लड़की के माँ को जिन किसको मराया मुझे पता नहीं मरवा दिया, और कौन था बीजेपी के विधायक था, कोई और था बताओ, आप मुझे सब मिला जुला के आप चाहते हैं कि नहीं, किसने योगी जी सही नहीं है, बीजेपी अच्छा काम नहीं करती, आपका क्या बुरा नहीं कह रहा, आप मेरी बात सुनिए पहले, फिर जो कानून है उसके बुरा कह रहा, जो ये उसके जब उस पे बैठे हैं पद पर, आप मेरी बात सुनो, जो मैडम धारा 370 का विरोध ये करेंगे अगर मोदी सरकार लाती है, आज आतंकवाद खत्म हो गया उसका कहते हैं धारा 370 से क्या फायदा हो रहा है, 3 तलाक से क्या फायदा हो रहा है, CNRC से क्या फायदा होगा, पर नागरिकता संशोधन बिल जो आ रहा है उससे क्या होगा, कृषि कल्याण बिल से क्या होगा, विदेशों में संबंध बनाने से क्या होगा, पांचवी अर्थव्यवस्था बनाने से क्या होगा, सारी चीजों में तो इन्होंने कमियां ढूंढनी है, तो देश का विकास कहां से होगा, ना देश का विकास ये करने देंगे, ना अपने घर में विकास होने देंगे, ये इनका एजेंडा यही है। आज पांचवी अर्थव्यवस्था कैसे बन गई पूछो गैरवी से, कितने देशों को पछाड़ के मोदी जी ने पांचवी अर्थव्यवस्था बनाई है, एक कंट्री का नाम बता देंगे, इतना देश का जो फिलहाल, ये उनकी अपनी राय ना, आप लोग जबरदस्ती ऐसे नहीं, कैसे नहीं मैडम, जब आपको समझ नहीं है तो एक्सेप्ट करो कि मुझे समझ नहीं है, आप सीधा बोल दो कि मोदी ने काम ही नहीं किया, आपको पता है मोदी ने काम किया, आप बताओ एक्सप्रेसवे काम नहीं मानते, वंदे भारत नमो भारत को काम नहीं मानते, ये झूठ बोल इस बात में मैं जब नहीं बोला, वंदे मातरम में कितने कितने जनरल डब्बा है, कितने गरीब जाते हैं, मेरे भगवान हवाई जहाज में कितने जनरल डब्बा है, कितने गरीब जाते हैं, मतलब ये लोग लगातार कह रहे मोदी जी काम नहीं करते, क्या वंदे भारत का जिक्र आप कर रहे हैं? एक मिनट रुको, मैं मानूंगा नहीं, भाई ने इतनी बड़ी बात बोली, मैं किसी बात पर विरोध नहीं करा, करो आप क्या चाहते हो कि गरीब जो है वो जनरल डब्बे में ही रहे, वो जनरल डब्बे में ही रहे, अब वो चाय वाला कौन था नागपुर का बिग बॉस में पहुंच गया, अब वो चाय वाला ही कहे, चाय कोई बिजनेस होता है क्या, ठेले पे चाय बेच रहा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गया, इनके हिसाब से, इनके हिसाब से वंदे भारत में अडानी और अंबानी आते हैं घूमने, इन्होंने खुद बोली है, ये कबूल कर रहे हैं, मैंने नहीं बोली है, खुद कबूल कर रहा है, अडानी अंबानी आते हैं, भाई 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 बहुत बढ़िया, ये खुद
इनकी सोच इनके नेताओं की तरह है, इनकी सोच इनके नेताओं की तरह है। ना स्कूल में बच्चा पढ़ने जाए, ना गरीब का बच्चा पढ़े, ना गरीब का बच्चा एजुकेटेड हो, ना गरीब का बच्चा वंदे भारत में दौड़े, ना हवाई जहाज में बैठे। बताइए धारा 370 को लेकर के लोग फिर बवाल मचा रहे हैं, क्या ना? देखिए अब उनको लग रहा है 11 साल हो गए मैडम, 11वां साल चल रहा है मोदी जी को, आतंकवादी घटना नहीं हो रही किसी राज्य में, कहीं पे बम धमाके नहीं हो रहे, ताज जैसे होटलों को उड़ाया नहीं जा रहा है। धारा 370 को लाने की जो विपक्ष बात कर रही है, सही कर रही है क्या? धारा 370 जो हटा था विपक्ष, उसको लाने की बात करिए, क्या रहा, सही कह रही है मैडम? धारा 370 जो इन्होंने हटाई है उससे फायदे को आप मुझे ये बता दीजिए, वहाँ जाके इन्हें कुछ सौ गज के प्लॉट इन्होंने तो खरीदा वहाँ पर जाके। मैडम पहले तो ऐसा यही होता है, एक सच्चे राजभक्ति भावना और एक दोगले राजभक्ति भावना। धारा 370 हटने से इस भाई को क्या फायदा हुआ? इसने 100 गज का प्लाट लेना है, मतलब चलो मैं अपने पे ले रहा हूँ, मुझे 100 गज का प्लाट नहीं लेना और मैं लेना भी नहीं चाहूंगा, जब मेरे को जरूरत होगी तब लेके भी दिखाऊंगा। मेरा शौर्य है, मेरी सेना, उसको पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब हो गए, ये फायदा हुआ। मेरा तिरंगा जलाया जा रहा था, आज गर्व से लहराया जा रहा है, मुझे ये फायदा हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर पैदल छोड़ो साइकिल पे कोई नहीं चल सकता था, आज जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी, ये फायदा हुआ। 370 हटाने से कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि आपके हिसाब से नुकसान हुआ है क्या? आप मेरी बात सुनो, ये जो धारा 370 के लिए कह रही है, जो ये धारा 370 के लिए कह रहे हैं कि घरवालों ने जगह ली है, बोल दे भाई, अरे धारा 370 हटाने से क्या फायदा, क्या फायदा हुआ है, क्या फायदा नहीं हुआ भाई साहब? वहाँ पर जो ये पत्थरबाजी, बम ब्लास्ट होता था, रेप होता था और लूटपाट मचती रहती थी, तुम्हें नहीं पता है? रुक के, बम ब्लास्ट हां बिल्कुल, हां कहां हो रही, दिखाओ, तुम्हें दिखा दो, तुम्हें पता भी है, तुम रहते भी हो। सुनो ये कह रहे कि हमारा क्या फायदा हुआ, भैया वो हमारे देश की ना एक जगह है, सुनो हमारे देश का एक हिस्सा है, जम्मू कश्मीर है, हम किसी को दान में दे तो नहीं देंगे, लेकिन तुम जैसे सोच वाले होंगे तो जरूर दे देंगे, कि तुम लोग तुम कैसे कैसे दे देंगे दान में, ऐसे दे देंगे दान में, क्या मतलब है? चीन दे दिया था या कश्मीर दे देते, कौन सी बड़ी बात है? इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली कि एक सच्चे देशभक्त में और एक दोगले देशभक्त में, कितनी बोला है, गलत क्या बोला है अपने देश के बारे में? तुम इन्हें साबित करूंगा मैं अपनी देशभक्ति, इन्होंने तो आपको आपके मुंह पे ही बोल दिया, इन्हें साबित करूंगा, साबित करो, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हो जो धारा 370 को हटाने की बात कर रहे हैं, आप अपनी देशभक्ति साबित कर रहे हो, सेना को पत्थर मारने वालों का समर्थन कर रहे हो, अपनी देशभक्ति साबित कर रहे हो, तिरंगा जलाया जा रहा था, तिरंगे पे रख के हमारी सेना के सामने गाय काटी जा रही थी, ऐसे लोगों का आप समर्थन कर रहे हो और आप कह रहे हो मैं आपको राष्ट्रभक्त कहूंगा ऑन रिकॉर्ड, क्या बात कर रहे हो आप? मतलब आपके हिसाब से धारा 370 आने है, हमारा जो है झंडा वहाँ पे जलाया जाता है वो जलाया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्ही तो कह रहे हो ये दोगरा बनी है, दलाली होती है जो अपने देश के बारे में गलत कोई बोल देता है। सुनिए मेरी मैडम, मेरी बात सुनिए, वहाँ पर कर्फ्यू लगते थे, औरतें जो है बाहर नहीं निकल पाती थी, अगर निकलती थी तो उनको गोली मार दिया जाता था, आतंक भर भर के भरा पड़ता, और हाँ पाकिस्तान से भी लोग बुलाए जाते थे, और इसको भाटा किसने था? सुन लो भैया तुम्हारे राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी ने उसको हटवाया था, आप कह रहे 370 दोबारा लगवा दो, चाहिए क्या? इन्होंने तो कहा कि राहुल गांधी जैसा कोई है ही नहीं, मैं बता रहा हूं ना, राहुल गांधी जैसा कोई है ही नहीं, अपने देश का बुराई करने वाला आदमी है वो, पहली बात उसे शादी कराओ रुपी जावे से, तभी कुछ हो पाएगा भैया, क्योंकि बहू नहीं आएगी तो बहुमत नहीं आएगी। 370 का सबसे बड़ा फायदा बताऊं, चार चार प्रधानमंत्री एक परिवार के थे, लेकिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी को पूरे भारत ने कभी कश्मीर जाते नहीं देखा था, धारा 370 हटने के बाद दोनों बहन भाई बर्फ के गोलों से खेल रहे थे, पूछिए क्यों खेल रहे थे गोलों से, आ गए भाई साहब, पूछिए राहुल गांधी क्यों गोलों से खेल, आज से पहले स्विट्जरलैंड जाते थे। धारा 370 जो लाने की बात कही, मैं उसके विरोध में नहीं, मैंने खाली वो बोला था कि जो सिलेंडर दिए थे वो भी फ्री में नहीं दिए, डीलरों ने पैसे खाए, अब सुन लेना, पहले अगर सुन पाओ तो मीडिया अगर सुन ली है, हिम्मत है तो सुन लेना, और जो मकान दिए उसमें दलाली खाई है, राशन दिए उसमें दलाली खाई है, दलाली करी है, अरे जो जो देते हैं आप इस बात को कैसे उठाओगे, कैसे उनको सजा दिलवाओगे? एक मिनट, हाँ क्या दलाली खाई है? इन्होंने बोला इनको मकान नहीं मिला, लेकिन इनको पता है दलाली खाई उन्होंने, और जिनको मकान मिला है वो सड़कों पे नहीं उतरे, वो जंतर मंतर नहीं गए, वो रामलीला मैदान नहीं गए कि हमसे दलाली खा रहे हैं। बढ़िया बोलते हैं भैया, के सीखना चाहिए, और मैं ईश्वर से, एक मिनट सुनते लोगे, मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि जितने दलित हो पढ़ लिख लेना, कभी भी धर्म से मत जाना और धर्म को बचा के लेकर चलना। कहते कहते स्वर्गों में चले गए मेरे भाई, बाबा साहब कहते कहते स्वर्गों में चले गए, पढ़ लो, 10 साल का, 1000 वीडियो, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो बात है वो रख रहा हूँ, अपनी बात रखो, मेरी बात आप लोग सुनिए, सब मिला जुला के इनका ये कहना कि बहुत ज्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो जब आएगी ना, जब मोटे पेट वाले हमारे गाँव वाले प्रधान कह रहा है, हाँ ताऊ तेरे 3 बेटे हैं,
तीनों के नाम मकान आ गए, पहले सुन लेना। अब आ गया एक धोबी का नाम, मैं हूँ वाल्मीकि समाज से, एक है मेरा बहुजन समाज, जब मैं नाम नहीं ले सकता, पहले मेरी बात सुन ले। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं विरोध कर भाई, जब से मैं कुछ नहीं बोला, मैं फैक्ट्स पे बोलता हूं। तो ऐसा है कि चार मकान गए प्रधान के नाम के, और जो डीलर होता है जो राशन बांटता है, छह मकान गए उसके, हमारे गाँव में आए थे 11 मकान। जिला अलीगढ़ है, कोई भी सुन लेना, पूरा गांव की कहानी बताओगे तो हम सुनते रह जाएंगे। बताइए, ये फोन है मेरे पास, अब मेरे को किसी का फोन आएगा, मैं हेलो हाँ जी कहाँ बात कर सकता हूँ। अब ये भाई गरीबी का रोना रो रहे हैं, जो फोन पे ऐसे बात नहीं करते, हैंड फ्री लगा के बात करते हैं कि हाथ दुख जाएगा। अब बताइए, अपनी बड़ी कर लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, हमारे देश में विकास इनको चाहिए नहीं, इनको विकास नहीं चाहिए। अगर इनको राशन दो तो कहते भैया गरीब है, तभी तो राशन बांट रहे हो, मकान दे दो। मैं कह तो रहा हूँ बता रहा हूँ, दवाई भाई आपको खिला जब मैं आपको दवाई खिला देता हूँ, सुनो मेरी बात को, ऐसे लोगों को विकास नहीं चाहिए। कुत्ते को विकास की जरूरत नहीं पड़ती, कुत्ते को हमेशा विकास बेकार रखता है। किसको बोल रहे? पता तू कुत्ता है? विकास की बात आप करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मुझे कुत्ता बोल रहे हैं। सुनो सुनो, मैं मेरे को कुत्ता बोला, मैं कह रहा हूँ आप कुत्ते नहीं, आप बड़े वाले सुअर हो, क्योंकि आपको पता है कि विकास हो रहा है। तुम सुनते लो, तुम्हारे पापा भी सुअर ही पालते, क्योंकि मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा बिल्कुल फायदा मैंने किया। इन्होंने पहले ये सब उल्टी सीधी बात बोली, लेकिन इनको नहीं पता कि मैं इससे ज्यादा हरामी हूँ। मेरी बात सुनिए, हरामी इसलिए क्योंकि अगर मैं कोई विरोध करता है, मैं तगड़ा विरोध करता हूँ। सुनिए मेरी बात, विकास यूपी में हुआ है, सपोर्ट मैं बीजेपी करता हूँ इसलिए क्योंकि काम करती है। काम कैसे करती है मैं बताता हूँ। इनको नहीं पता हमारा हमारे देश का अर्थव्यवस्था पहले 10 साल पहले कितना था, क्या मैं पता कितना है? नहीं पता होगा, पढ़े लिखे नहीं है, बात दिक्कत है। कितना था? मेरे बाप अगर चाटा मार देता किसी पहलवान में तो धक्की मुख सड़ देता। और तेरे बच्चे आएंगे ना, ये पहलवान इनकी हालत देखो भैया, दारू पी के आया, मेरे दारू पी के मत आया कर, चरस गांजा पीने वाले आदमी से मैं अभ्यास नहीं करता मैं। सुनो मेरी बात, देखिए मेरी बात, फैक्ट में बात करूं, सुनो यूपी में जो है विकास हो रहा है, 4 करोड़ लोगों को चार करोड़ लोगों को मकान मिला, शौचालय बने, और उसके बाद लाइट बत्ती में काम हुआ। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको राहुल गांधी चाहिए, इनको राहुल गांधी चाहिए, इनको इनका भैया चाहिए, भाभी नहीं चाहिए, इनको रूपी जावेद चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए बोलता हूँ मियां खलीफा मत देखा करो, ये लोग भाई उसी में जो घुसे पड़े रहते हैं। भाई विकास की बात क्या करो, क्यों हमेशा आप मेरी बात सुनिए, अन्य स्टेटों पर आप लोग बात क्यों नहीं करते, यूपी पे आके क्यों? किसी एक स्टेट का नाम मिली मैं बात कर रहा हूँ, बोलिए यूपी की बात करूंगा, बात कर रहा हूँ। एक मिनट, जहाँ पे विकास होगा एक्चुअल में, ठीक है, 29 राज्यों में जहाँ पे गुंडागर्दी को खत्म किया जाएगा, रेपिस्टों के ऊपर बुलडोजर चला जाएगा, जो लोग दूसरे के घरों के चिरागों को बुझाने की कोशिश करेंगे उनका इनकाउंटर किया जाएगा, तो वहीं को वहीं का तो बात किया जाएगा, सीधी सी बात है ना। बुलडोजर पर भी तो बड़ा बवाल मचा था मैडम, अगर कोई लड़का किसी लड़की का रेप करेगा ना, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा और उसके बाद गोली भी मारी जाएगी, है ना। अगर मैं भाई क्या ही बोलूं, अगर मैं बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर यूपी में किसी बहन बेटा में रेप होता है तो गोली मारना चाहिए, उसके बाद बुलडोजर चले, और चलना चल भी रहा है ऐसा नहीं। और अगर कोई भी इंसान किसी का घर को जब्त करता है या किसी का जमीन को जो है कब्जा लेता है, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। किसी की हत्या होती है तो भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि यही है, यही नियम है। बाबा के बुलडोजर का समर्थन करते हैं आप लोग? बोलना ही नहीं इन लोगों को, क्या कह रहे हैं? इसने मैं पोल खोल रहा था उन लोगों की, मेरे को राहुल गांधी बना दिया। इन्होंने सोचा कि मुझे कुत्ता बोल देगा तो मैं सुन लूंगा। भाई मैं तो भाई तुम कुत्ता बोले मैं तो सुअर बना दिया भाई, इसलिए मैं कहता हूँ पर्सनल मत जाया करो। मैं कह रहा हूँ तो तुम बेटा बोलो, मैं तुम्हें बाप बोल रहा हूँ। अच्छा आप लोग लड़िए नहीं, ये लोग पर्सनल ले जा रहे हैं। फिलहाल देखिए हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्टेट के विकास पर कि आखिर यूपी में विकास हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जो समर्थन भी दे रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो समर्थन नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि राहुल गांधी आने चाहिए, योगी जी ने विकास नहीं किया है। फिलहाल सबके अपने अपने व्यक्तिगत राय है, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।